दोस्तों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं छोटी सी आशा द्वारा बनाए कैफे होप पर। सबसे पहले तो अगर आप बोल बरेली चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कैफे होप गरीब बेसहारा बच्चों के लिए छोटी सी आशा द्वारा बनाया गया है, जिसमें गरीब बच्चों को भी सभी प्रकार के खाने की सुविधा मुफ्त मिल सकेगी। इसकी लोकेशन गांधी उद्यान के बाहर गेट के पास है। इसे छोटी सी आशा संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। आइए मिलते हैं इसे चलाने वाले लोगों से। बने रहिए हमारे साथ बोल बरेली में। मैम आप क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम पारुल मलिक। आपने यहाँ पे जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, क्या नाम है इसका और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे? जी, ये छोटी सी आशा एनजीओ है जी। ये लगभग 8 साल हो गए मुझे इस एनजीओ को चलाते हुए, और मेरे साथ शहर की अच्छी नामचीन फैमिलीज जुड़ी हुई है जी। जो और जो मेरी सोसाइटी है उसमें कम से कम 180 औरतें हैं जी। हाँ जी, और ये एक मैंने छोटा सा किचन खोला है जी, जिसको नाम दिया है मैंने कैफे होप जी। छोटी सी आशा, इंग्लिश में आशा मीन्स होप जी। तो ये बेसिकली मैंने स्ट्रीट में जो बच्चे घूमते रहते हैं बिना किसी रीजन के, जो सिर्फ भीख मांगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है गलती इनकी भी नहीं है, कहीं पे हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जी जी। इनको वो हाँ, तो बेसिक आइडिया मेरा ये था कि इन बच्चों को मोटिवेट करना जी, और इनको जो डाइवर्ट करूं माइंड जो ये भीख मांगते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि जैसे कि शहर हमारा छोटा शहर है बरेली, अगर हम लोग सब लोग मिलकर एक छोटा सा प्रयास करें, जैसे कि मैंने एक प्रयास किया है इस कैफे होप को नगर निगम के सहयोग से यहाँ पे खड़ा करने का, गांधी उद्यान के पास। इसमें मैंने मेरी बात हुई थी हमारे नगर आयुक्त जी से भी और उमेश गौतम जी से भी, कि क्यों ना हम लोगों तक और इन बच्चों के थ्रू एक मैसेज सोसाइटी को कन्वे करें कि जो हम लोग जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं, तो इसको हटाने में आप मदद करिए। और मैं इन बच्चों को भी यही कह रही हूँ कि आप भीख मांगने से अच्छा है कि अगर हम आपको 60 बोरी दें और आप जगह जगह से ये कूड़ा उठाएं और इसको एक सैक में डाल के, एक बोरी में डाल के मेरे तक लेके आए, तो मुझे लगता है जो पढ़े लिखी सोसाइटी है उसको भी एक एक सीख मिलेगी कि देखिए जो बच्चे अनपढ़ हैं, सड़क पे भीख मांग रहे थे, आज वो भी मोटिवेट हो रहे हैं और अपने शहर को साफ। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था रहती है। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मेरे को लगता है कि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं जी। और बच्चे तो आपको पता है नादान होते हैं और उनका मन करता है अच्छी अच्छी चीजें उनको खाने को मिले। मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल फैक्टर है ये, उनको अगर हम दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। तो फिलहाल तो मैं 1 महीने के लिए हैप्पीनेस दे रही हूँ इन लोगों को, जो ये मानते हैं पिज्जा से लेके चाउमिन से लेके मंचूरियन से लेके चाउमिन सब चीजें मिल रही हैं, सब मिल रही हैं। क्योंकि मुझे देखिए लोगों ने मुझे कहा आप क्यों दे रही हैं चाउमिन मंचूरियन, पर मुझे लगता है ये बच्चे जी, हर बच्चे का मन करता है कि वो पिज्जा भी खाए चाउमिन भी खाए। तो मेरा मन इतना है कि इनको इतना भर दूं इनका पेट चाउमिन पिज्जा से कि इनका मन ही हट जाए। और बाकी मैं न्यूट्रिशन भी दे रही हूँ बीच बीच में, फ्रूट चाट है। क्या टाइमिंग रहता है इसका? इसका टाइमिंग है 12 से 2, दोपहर में 12 से। हाँ जी, हाँ जी। और 7 दिन खुलता है? नहीं, ये मंडे टू थर्सडे खुलता है जी। और 3 दिन क्योंकि मुझे जरा अपने लिए भी एनर्जाइज करने के लिए अपनी चाहिए होती है चीजें, तो मैं इसको ऑफ रखती हूँ। पर मुझे अच्छी बात ये लगती है, ये बच्चे सुबह 10 बजे से दोपहर के 2-3 बजे तक ये कैफे के इर्द गिर्द ही रहते हैं और भीख नहीं मांगते। अच्छा, जो प्लास्टिक इकट्ठी होती है उसका आप क्या करती हैं? प्लास्टिक जो इकट्ठी होती है फिलहाल तो मैं उसको सेल ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी प्लास्टिक नहीं है कि मैं उसको रीयूज कर सकूँ। लेकिन फिर भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स मेरी फ्रेंड्स ने या मेरे मेंबर्स ने दी है उनसे मैं इन बच्चों को एक्टिविटी कराऊंगी। अभी मौसम गर्मी बहुत है तो मैं इस चीज को कहते हैं, और हफ्ते भर के बाद यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत मैंने एक्टिविटी कराई थी प्लास्टिक बॉटल से, उनको हमने पेंट किया था, कलर किया था। जब हम उन्हें कलर किया तो हमें लगा ये जो पेड़ है हमारे सामने, क्यों ना इनकी हैंगिंग्स बनाऊं प्लास्टिक बॉटल से, और उन पे डॉट्स बना के बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन वो भी अभी प्रोसेस में है क्योंकि बच्चों को गर्मी बहुत लग रही है, तो मेरा ये अभी मेरी कुछ हट्स बन के आ रही है जिससे कि बच्चों को दिक्कत ना हो और वो एक्टिविटी में और ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। तो मेरी तो यही लोगों से अपील है कि आप जितना प्लास्टिक मुझे ला के देंगे वो कहीं ना कहीं इन बच्चों के वेलफेयर के लिए भी हम लोग यूज कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है बेटा आपका? सागर। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपके लिए? हमारे लिए सब। क्या क्या दे रही हैं दीदी आपके लिए? देती है, खाना देती है, चॉकलेट देती है। अच्छा, और क्या करते हो आप? पॉलिश करते हैं। अच्छा, और क्या सीख रहे हो यहाँ पे? दीदी सिखा रही है। दीदी सिखा रही है, सब चीज सीख रहे हो? चलिए ठीक है। सागर, हम लोग खाना खाने के बाद क्या करते हैं? कुछ काम तो नहीं कराती मैडम तुमसे एक्स्ट्रा? हाँ,
पता नहीं कराती है। क्या कराती हैं? सज्जे पूड़ा वहाँ डालते है, ये खाना गाय को दे देते। अच्छा, और क्या सीख रहा है? कोई गंदी बात तो नहीं सीख रहा हो? अब अच्छे काम करोगे, गंदे काम करोगे? अच्छे काम करोगे।